दोस्तों ये है बायोमैक्स की पाम रीडर मशीन। इसमें पाम रीडर इनबिल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाम स्कैनर है, फिंगरप्रिंट यहाँ पे रीडर है, फिंगरप्रिंट भी इसमें इनबिल्ट है, कार्ड रीडर इसमें इनबिल्ट आ जाता है आपको। इसमें लैन पोर्ट इनबिल्ट है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको यूएसबी पोर्ट भी अवेलेबल है, तो पेंडर के थ्रू भी डेटा ले सकते हैं या फिर लैन के थ्रू कनेक्ट कर सॉफ्टवेयर में आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इस पाम मशीन में पाम रजिस्टर किस तरह किया जाता है। तो रजिस्टर करने के सबसे पहले हम मेनू में जाएंगे। मेनू में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र ऑप्शन है, यूज़र ऑप्शन में हमें ओके करना है। ओके, यहाँ पर एनरोल में जाना है, ओके करना है। आईडी नंबर पूछेगा आपसे, आईडी नंबर बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है 1, 2, 3, 4 सेकेंड्स में। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज 1 रखना है 1 ही रख दीजिए, जो भी सीक्वेंस है ओके कर देंगे। यहाँ पर आपको नाम पूछेगा एम्प्लॉय का, आप यहाँ पर मैनुअली नाम भी डाल सकते हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सपोज आपको नाम डालना है मैनुअली तो डाल सकते हैं, यहाँ पर नाम डाल देता हूँ मैं और ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पूछेगा पाम रजिस्टर करना है, फिंगर है, पासवर्ड है, कार्ड है। तो अभी फिलहाल हम पाम रजिस्टर करेंगे, तो उसके लिए हम पाम में आकर ओके प्रेस करेंगे। अब जो ग्रीन बॉक्स जो दिख रहा है इसके अंदर आपका पाम आना चाहिए, पाम आपको शो करना है यहाँ पर स्कैनर के यहाँ पे। और इस ग्रीन बॉक्स में आप देख सकते हैं पाम की पोजीशन, जैसा यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, पाम जो है ग्रीन बॉक्स के अंदर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक रजिस्टर करके दिखाता हूँ आपको, ये पाम जो है जैसा आप देख रहे हैं ये पाम स्कैन हो रहा है और ये मेरा पाम स्कैन हो चुका है सक्सेसफुली एनरोल। मैं ओके करूँगा तो ये दूसरा पाम पूछेगा। जैसे हम फिंगर एनरोल करते हैं बैकअप के लिए सेम आईडी पे दो फिंगर, उसी तरह आप सेम आईडी पे दो पाम एनरोल कर सकते हैं। तो मैं दूसरा पाम भी यहाँ पर एनरोल करके दिखा देता हूँ आपको। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर स्कैनर है, स्कैनर के सामने आपको पाम शो करना है, उस ग्रीन बॉक्स के अंदर आपका पाम आना चाहिए। एनरोल सक्सेसफुल हो चुका है, अब मैं यहाँ पर एस्केप करके या ओके कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे, एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब जब भी मुझे अटेंडेंस मार्क करना है तो मुझे जस्ट स्कैनर के सामने पाम शो करना है और पाम मेरा इस ग्रीन बॉक्स के अंदर आना चाहिए, जैसे भी मैं यहाँ पे शो करता हूँ। okay. दूर से ही पाम शो करना है यहाँ पे, अराउंड 1.5 फीट का डिस्टेंस में वो कैप्चर कर लेता है पाम, जैसा okay. आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको मशीन के साथ में फिजिकल कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही आप पाम शो कीजिए वो पाम रीड कर लेगा। जैसे आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, उसकी डिटेक्शन स्पीड जो है वो भी काफ़ी फास्ट है। तो इस तरह आप इसमें पाम रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे तो फिंगर रजिस्टर कर सकते हैं या कार्ड भी रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको पावर ऑफ करके दिखाता हूँ कि जीरो लाइट कंडीशन में मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, इसका स्कैनर का परफॉर्मेंस कैसे है। तो हम इसके लाइट पूरा स्विच ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जीरो लाइट कर दिया हमने, पूरा ब्लैकआउट कर दिया है। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर मैं पाम शो करूँ तो मशीन डिटेक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसका स्कैनर कितना पावरफुल है। यहाँ पर मैं अभी पाम शो करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं अराउंड 2 फीट की दूरी, 1.5-2 फीट की दूरी से भी ये पाम डिटेक्ट कर लेता है जीरो लाइट कंडीशन में भी। तो काफ़ी पावरफुल सेंसर्स हैं इसके, हायर लाइट काफ़ी पावरफुल है, स्कैनर काफ़ी पावरफुल है। धन्यवाद दोस्तों।